कितना इंच डाई है ये? 5 इंची। 4 इंची डाई है, ठीक है? हाँ ये 4 इंची डाई है। 4 इंच के हिसाब से तुमको डाई का, 4 इंच के हिसाब से तुमको साइज निकालना है, ठीक है? ये डाई 4 इंच का, ये बात याद रखना होगा। आओ इधर आओ। अब ये पाइप तुम कितना इंच काटा है? 90। 90 काटा है। तुमको साइज कितना निकालना है? 10 इंची, ठीक है? 10 इंची साइज निकालना है, मतलब 10 इंची का यू बनाना है तुमको, ठीक? तो उसको कैसे मार्किंग करेगा वो हम बता दे रहे हैं तुमको। तो चलो मार्कर, इंची टेप लगाओ, लगाओ इंची टेप। इंची टेप लगा के सेंटर निकालो पहले, सेंटर निकालो, दोनों का बीच सेंटर निकालो। एक एक का एक ही करो, कोई दिक्कत नहीं। 90 का सेंटर कितना होगा? 45। हाँ तो 45 मार्किंग करो पहले। हो गया, इधर से भी नाप के देख लो एक बार, एक्यूरेट है कि नहीं। देखो तुम भी ध्यान से देखो, समझ लो कैसे साइज निकाला जाता है, ठीक है? एक्यूरेट है। तो ये हो गया सेंटर, कितना इंच पाइप था? 90 इंची, नहीं? ठीक है। और साइज निकाला पहले, सेंटर मार्किंग कर लिया ना। चलो अब सेंटर मार्किंग कर लिया तुम, इसको मार्किंग करना है तुमको 10 इंची का, मतलब ये 10 इंची बेंड होना चाहिए। हाँ तो उसको कैसे मार्किंग करेगा पता है? तो 10 इंची का आधा कितना होता है? 10 इंच का 5। 5 होता है। तुम इसको 5 5 पे मार्किंग करो दोनों साइड से। एक्यूरेट होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। इधर इधर भी मार्किंग करो 5 5। ठीक है, हो गया। अभी नापी के लेके देखो कितना हो रहा है दोनों साइड साइड का। 10 इंच आ रहा है ना? तो 10 इंची तो ये तुम्हारा डाई का आ रहा है, ठीक है? मतलब तुम्हारा जो साइज चाहिए वो आ रहा है, ठीक है? लेकिन वो डाई है जो, वो खींचता है, खींचता मतलब बेंड करने के बाद खींचता है। तो तुम लोगों को क्या करना है पता है? जो 4 इंची का डाई है, 1.25 इंची, वो कभी भी तुम कहीं भी चला जाओ और कहीं कोई भी ले लो, 4 इंच का जो डाई है वो तुम्हारा 1.5 इंची खींचता है। मतलब तुम 10 का मार्किंग किया है लेकिन वो 10 नहीं आएगा, कितना आएगा पता है? 10 का अगर करेगा तो तुम 1.5 इंची वो खींच लेगा, तो तुम्हारा आएगा वो 8.5 नहीं आएगा, वो बड़ा हो जाता है, कमती नहीं होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है? तो वो जैसे कि 10 इंच का मार्किंग किया ना तुम, वहाँ जब लगाएगा और बेंड करेगा तो वो 11.5 का हो जाएगा, ठीक? तो इसीलिए उसको कम करना होता है, जैसे कि सब डाई खींचता है, ठीक है? जितना भी डाई होता है सब खींचता है, तो उस हिसाब से उसको मैनेज किया होता है। जैसे कि पहली बार पता नहीं चलता है, लेकिन जब एक बार बेंड करेगा तो तुमको पता चल जाएगा कितना खींचता है, ठीक है? तो उस हिसाब से जो 1.25 इंची का डाई है वो 1.5 इंची खींचता है, चाहे कहीं का भी डाई हो। अब ज़रूरी नहीं है कि दूसरा कोई बना के लाएगा तो अलग होगा, हम लोग बना के रखा था अलग, सब डाई का एक ही होता है, मतलब 1.5 इंच। तो जैसा कि ये हम लोग 10 का मार्किंग किया, ठीक है? अब क्या करना है, इसमें से तुमको 1.5 इंची कम करना है। तो 1.5 इंची दोनों साइड से कम करना है, ना कि एक साइड से, ठीक है? अगर एक साइड कम करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए दोनों साइड से कितना कितना कम करेगा तुम लोग? 1.5 इंची 1.5 इंची दोनों साइड से कम करेगा, तो दोनों साइड से 1.5 इंची 1.5 इंची कम कर दो। चलो 1.5 इंच, हाँ तो इसको 1.5 इंची कम कर दो वहाँ से, दोनों साइड से 1.5 इंची 1.5 इंची कम कर दो। तो अभी अंदर वाला नापी लो कितना है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, अंदर वाला नापी लो, अंदर वाला जो मार्किंग किया अभी कम करके कितना आ रहा है? 8.5, ठीक है? 8.5 आ रहा है ना। अब ये जाके तुम्हारा 10 का हो जाएगा। तो चलो ले चलो डाई पे घुसा, और राइट एंगल लेकर, चलो राइट एंगल लेकर। तो जैसे कि इसमें पाइप लगा दिया, और जो ये अंदर वाला मार्किंग है उसको करना है, ये मिटा देना है, ये काम नहीं है तुम्हारा मार्किंग, ठीक है? और ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसको सेंटर निकालने के लिए कह जाता है। जैसे ये जो अंदर वाला मार्किंग है ना, इसको अंदर घुसाना है, ठीक है? जैसे कि वो पहले अंदर नहीं घुसाना है, उसको ये इधर रखना है। जैसे कि ये दो मार्किंग है ना, ये दो मार्किंग को, ये वाला जो मार्किंग इधर का उसको बाहर रखना है, इसको अंदर रखना है। मतलब पहले ये वाला बेंड करना है, उसके बाद दोबारा जब घूमेगा तब ये साइड का बेंड होगा। तो इसको क्या करना है पता है? सबसे पहले ये धोखा, ये यहाँ पकड़ना है, यहाँ इसको दबाओ, इसको सटाओ, पूरा पूरा सटाओ, इसको जोर से दबा के पकड़ लेना है, ठीक है? इस तरीके से पकड़ लेना है। और अब वो जो उसका एंड है ना, जो ये राइट एंगल का एंड, वहाँ ये मार्किंग जाना चाहिए। ले जाओ ले जाओ, बस देखो वो जो एंड है, मार्किंग का एंड दिखा रहा है ना, मार्किंग जो है, मार्किंग वहीं एकदम एक्यूरेट वहाँ होना चाहिए, ठीक है? उसका टाइट करो, चलो टाइट करो।
हो गया टाइट, लगा उसको, पूरा मत घुसाओ, कम करो। बैन करो, खींचो ना बे, पूरा नहीं लाना है, यहाँ तक लाना है, वो सबका अपना अपना हिसाब का, हम लोग का यहाँ का हिसाब है, यहाँ रख लाओ, लाओ 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 बस, ठीक है, रिटर्न जाओ। ओके, दूसरा साइड लगा, खोलो जल्दी। अब ये साइड घुसा, ये साइड घुसा, और सेम प्रोसेस जो हम बताया था उसी तरीके से, मार्किंग मिटाया नहीं ना, हाँ तो उसे घुसाओ, जान दो, जान दो, यहाँ मार्किंग है, यहाँ दिख नहीं रहा है, तो सेम प्रोसेस करो। और ये जो है ये लेवल चेक करो, ये सीधा होना चाहिए, ये चीज़ पहले वो लगाओ, बेबावली गांड, इधर से लगाओ ना, क्या लगा रहे तुम, अच्छा कैसे लगाया ऐसा, उसी तो लगाए, उसा लगाओ, उसा मार्किंग पे ले जाओ, उसको मार्किंग पे करो, ठीक है, मार्किंग पे है पूरा, चलो टाइट करो बढ़िया से। और उससे पहले ये लेवल चेक कर लो, ये लेवल, हाँ ये कितना पे होना चाहिए उसके हिसाब से, उठेगा नहीं डाउन होगा, छोड़ो छोड़ो, हाँ ठीक है, चलो टाइट करो, तो वहाँ चेक कर लो एक बार, बराबर है कि नहीं, ज़्यादा डाउन हो गया, रुको रुको एक सेकेंड, ये थोड़ा डाउन है, ज़्यादा ही उठ गया क्या, चलो ठीक है, वो तो मिला लेगा कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं उठा होना चाहिए, चलो टाइट करो, टाइट करो, हो गया टाइट, चलो फिर से लगाओ उसको, बेंड करो, चलो बेंड करो, खोलो, आ जाओ निकालो, डायरेक्ट इंची टाइप लगाओ, तो हो सकता है लोगों को लगे कि हम लोग गलत बता रहे हैं, तो चलो ठीक है, नापी लगाओ, हाँ जब लगा कितना आ रहा है, अरे 10.5 ना, हाँ चलो ठीक है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, वो अलग बात है, बट मतलब यही साइज से निकाला जाता है, मतलब अगर तुमको 10 इंच का साइज निकालना है तो इस हिसाब से मैचिंग करना होता है, तुम लोग शायद इधर उधर किया है थोड़ा, खैर वो अलग है, वो कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो इसी तरीके से इसका ये दिखाओ इधर, तो इसी तरीके से इसका ये निकाला जाता है, जैसे कि अगर इस टाइप का, अगर किसी को अगर इस टाइप का बेंड करना है तुम लोगों का कभी भी, तो इसी हिसाब से मार्किंग कर लेना, ये थोड़ा खींच लिया शायद मेरे ख्याल से, ये देखो इसका वजह से ही मतलब इधर उधर गड़बड़ हो गया, लेकिन अगर जितना हम बताया 1.5 इंची का मार्किंग करेगा कभी भी तो 10 इंची आएगा, ठीक है, मतलब समझ गया, 10 इंची आएगा का बात नहीं है, अगर तुम लोग अगर 15 इंची मार्किंग करना है तो 15 इंची के हिसाब से तुम लोग को 1.5 इंची कम करना है दोनों साइड से, ठीक है, ये डाई का बात कर रहे हैं हम सिर्फ, 4 इंची डाई का है, ये 4 इंची डाई इसका बात कर रहे हैं, दूसरा डाई का अलग प्रोसेस है, सबका एक एक प्रोसेस नहीं है, सब में अलग अलग हिसाब से खींचता है, ठीक है, तो इसमें 1.5 इंची खींचता है, चाहे आप कहीं का भी डाई हो, कोई भी, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंची खींचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंची खींचेगा, अगर किसी का खींच रहा है ज़्यादा तो इस हिसाब से इसको बेंड किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया ना, दोबारा हम बताएंगे नहीं, ये बात ध्यान में रखना,